यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज फाइनली आ चुका है क्लॉक एसएम का सीजन 2। बेसिकली देखा जाए तो आज नहीं, बेसिकली 2-3 दिन पहले क्लॉक एसएम पे स्टार्ट हो चुका था, सीजन 2 स्टार्ट हो चुका था। बट मैं ज़रा एडिटिंग में ज़रा लेट हूँ, तो आई एम सो सॉरी, बट आपसे रेगुलर होने की बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा। तो बेसिकली मेरा स्कूल चल रहा है, खैर छोड़ दें इन सारे बातों को, तो आपसे रेगुलर होने का ट्राई करूंगा। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर सब्सक्राइब एंड लेट्स गो टू द वीडियो। ऑलराइट, फाइनली लोडिंग आ चुका है एंड यस, आ चुका हूँ मैं क्लॉक एस एम पी का सीजन 2 में। तो बेसिकली गाइज, आई एम सो लेट टू ज्वाइन एस एम पी। तो स्टार्ट हो चुका था कल को एंड मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आज को। तो कोई ना, आज मैं ज्वाइन किया तो क्या हुआ, मेरा बंदा तो है, आपका प्यारा, मेरा प्यारा, सबका दुलारा डेविल एलन भाई। तो भाई पहले ज्वाइन किया यही बहुत है। बेसिकली डेविल एलन भाई ने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए ग्राइंड किया है, सो मुझे कोऑर्डिनेट्स अभी तो मिल चुका है एंड अभी चलते हैं भाई, रास्ते बहुत दूर है अभी के लिए, तो उनका बेस नहीं, बस रहने के लिए कुछ जगह, तो चलते हैं भाई। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे टॉर्च दिख गया है भाई फाइनली। तो यहाँ पर एक केव होगा शायद एंड इस केव के अंदर भाई का बेस है एंड ये भाई फाइनली बेस मिल गया। ओ भाई, भाई भी दिख गए मुझे, चलो। ऑलराइट, भाई ने मुझे आर्मर दे दिया अभी आयरन का विदाउट चड्डी, तो हम इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए, तो बाद में हम लोग माइन कर लेंगे। ओ भाई देखो, अरे वैसा नहीं, लुटे रह गए साले तुम लोग की ऐसी की तैसी भाई। और भाई ये देखो, मैं पीले जरों को मार के मॉन्स्टर हंट कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो ये आज तक भी कोई कर पाया है। एंड उसके बाद मैं ढूंढने लग जाता हूँ एक विलेज एंड जो कि मुझे मिल भी जाता है एंड मैं रेड करवाने लग जाता हूँ। एंड उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत नेट खराब दे रहा था जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ बुरा सीन होता है। तो ये देखो, ये विलेजर लोग भाई अंदर ही नहीं जा रहे। चलो भाई, इन दोनों को तो मैं फंसा दिया, लास्ट वाले भाई तू तो गया साला। अरे भाई क्या ही अटक अटक भाई, इनकी ऐसी की तैसी भाई, तुम किसके हाथ, तुमने किसके ऊपर हाथ डाले भाई, तुम लोग की ऐसी की तैसी साला लुटेरो। एंड उसके बाद इमोशनल डैमेज, या मैं मर जाता हूँ क्योंकि मैं नेट बहुत ज्यादा स्लो था। एंड उसके बाद मैं फिर से भाग तो जाता हूँ उस विलेज को जो कि बहुत दूर था रिटेली। वेट, मैं आपको इतना कुछ दिखा के पकाना तो नहीं चाहता। तो उसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। तो मैं उस विलेज पे जाता हूँ एंड मैं उन सबको मार देता हूँ, बट मुझे टोटा वाटर नहीं मिलता है क्योंकि आई होप सो मैजिशियन को गोलम ने मार दिया था, सो आई डोंट नो क्या हुआ था। एंड उसके बाद व्हाट इज दिस। तो गाइस, मैं अभी यहाँ पे आ ही रहा था भाई, मैं यहाँ पे मुझे एक ग्रीन पोर्टल दिखता है, तो मैं इसको लूटने के लिए आता हूँ, बट मुझे ये दिखता है। अबे ओए गंडू साले, अबे आयरन गोलम बनने का शौक है क्या भाई इसको, हद है। ऑलराइट गाइस, मैं बेस बनाने के लिए मैं एरिया ढूंढ ही रहा था जो कि मुझे मिल भी जाता है एंड उसके ठीक पास यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर है जो कि बहुत अच्छी बात है। बट अफसोस एक चीज का है जो कि मुझे स्पाइडर फॉर्म बनाना नहीं आता, तो क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। तो मुझे नहीं आता, सो क्या हुआ, अपने डेविल एलन भाई है ना भाई, बना देगा हमें। तो इस चेस के अंदर मैं उनके लिए सामान रखा है जो कि मैं अभी तो नहीं खोलने वाला। लॉल। एंड उसके बाद मैं फार्म बनाने के लिए एलन भाई को बोला तो, बट बहुत बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भाई को भी नहीं आता ये फार्म बनाना। एंड उसके बाद मैं चल पड़ता हूँ विलेज की खोज में, बट मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल जाता है। एंड आगे देखो, ऑलराइट यहाँ पे अभी चलेंगे भाई, पूरा धूम मचाएंगे भाई। दरवाजा किधर है, इधर तो नहीं है, उधर है। एंड इधर देखे तो यहाँ पे इधर दरवाजा है, इसका अंदर भी एक दुश्मन है, इसको भाई इग्नोर मारते हुए भाई चलो 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 ऊपर चलते हैं, हमें जल्दी से इंचार्टेड गोल्डन पे चाहिए। एंड इससे ऊपर जाओ एंड और एक तले उड़ने के बाद हमें चेस मिल चुका है। एंड आर यू क्रेजी, यू आर फकिंग बिहाइंड, यू आर फकिंग, यू आर फकिंग, यू फकिंग फकिंग, यू ब्लडी, यू ब्लडी, यू ब्लडी बास्टर्ड बिच, यू फक यू, फक यू ब्लडी।
आउटपोस्ट के चेस पे तो मुझे मिल चुका था धब्बा, एंड धब्बे से याद आया कल हमारे घर पे आया था हमारा चाचा और बात बात पे मैं चोरी कर लिया इनका बस्ता। उसके बाद मैं एक विलेज ढूंढने के लिए लग जाता हूँ जो कि मुझे बहुत पास ही मिल जाता है, एंड मुझे आपको उतना बताने की जरूरत नहीं है मैं विलेज क्यों ढूंढ रहा था या लूटन बाज के लिए, एंड भाई विलेज होते क्यों है लूट के लिए देता है भाई माइनक्राफ्ट वालों, इसमें मेरा क्या दोष। एंड उसके बाद मैं बेस बनाने के लिए भटकने लग जाता हूँ एंड मेरे साथ एक सीन हो जाता है। भाई इन पिलेजर भाई कहाँ से आ रहे हैं भाई ये सारे, भाई उधर भी पिलेजर इधर भी पिलेजर, भाई आते ही पिलेजर, एंड पिलेजर मुझे अब तक एक मॉब नहीं दिखा भाई, पिलेजर दिखने लग गए। हैंग ऑन अ सेकंड। ओके भाई यहाँ पे कोई तो है भाई, कोई तो आया था भाई यहाँ पे। अरे भाई ये पिलेजर की ऐसी की तैसी, भाई यहाँ पे कोई तो आया था, आ ही सकते हैं भाई, नॉर्मल बात है, सर्वे बहुत बंद है, बट मैं गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता कि यहाँ पे किसी का भी बेस हो सकता है क्योंकि हम ये रिस्पॉन के थोड़ा पास भी है, हो भी नहीं सकता है, मुझे नहीं पता। एंड मैं तभी शक करना छोड़ देता हूँ क्योंकि कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकता है ट्रैवलिंग के लिए, एंड मैं उसको बात को उतने दिमाग में नहीं लेता। एंड उसके थोड़ी दूर मुझे एक विलेज भी मिल जाता है जिसपे बहुत जहर पड़ा था, एंड मैं उसको लूटने के लिए लग जाता हूँ, बट मैं जब आगे जाते हो तब मेरे साथ कुछ ये होता है। ओके यहाँ पे आयरन गोलम भी है, एंड हैंग ऑन अ सेकंड, ये मुझे बेड दिखा क्या, आर यू सीरियस, मेरा शक भाई सही था, यहाँ पे किसी का तो बेस है ये। एक काम करते भाई, अभी तो इसे नहीं करते ऐसा भाई, यहाँ पे कभी तो आएंगे भाई बाद में, अभी के लिए तो अपने बेस के बारे में सोचते हैं, एंड यहाँ पे कभी तो फिर से आएंगे भाई, जिसका भी बेस होगा इसको फोड़ेंगे भाई, पूरे बेस को, बंदे को भी फोड़ेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट्स मैं नोट कर लिया हूँ, एंड चलते हैं भाई अभी के लिए तो। वैसे एलन भाई का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई, किसी का भी हो सकता है, शक करना भाई पूरी बात है। अरे भाई ये भाई इतना सारा पिलेजर भाई कहाँ से आ रहे हैं भाई, रास्ते में उतर गए क्या ये लोग भाई, क्या भाई एक आउटपोस्ट को भाई मैंने ऐसे लूट लिया, ये लोग तो रास्ते में उतर गए। खैर भाई छोड़ो भाई, इनका तो रोज रोज नहीं है। एंड फाइनली गाइस मैं उस कोऑर्डिनेट्स पर आ चुका हूँ जहाँ पे मैं उस दिन माइंड अभी भाई अभी गिनने वाला था, एंड चलो यहाँ पे तो फाइनली मैं वहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं अपना डायमंड रखा था कुछ, तो मैं अब इससे माइन किया था, एंड माइन करके ये रहा मेरा चेस्ट, एंड इसमें आई होप प्लीज़ भाई यहाँ पे डायमंड रह लो भाई प्लीज़ भाई, कोई ना ले भाई, ये भाई मेरा डायमंड है यहाँ पे, सही सलामत, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरा बहुत चिंता कर रहा था मैं इसके लिए। ए व्हाट भाई, पहले ये जॉम्बी बनना चाहता था आयरन गोलम, एंड अब ये इसकी हड्डी भी, अबे भाई खोते नुबड़े साले जॉम्बी, अबे खोते चेन का आर्मर पहनने से और पम्पकिन दिमाग में डालने से कोई आयरन गोलम नहीं बनता। एंड उसके बाद सारा काम खत्म करने के बाद मैं अपना बेस बनाने का प्रतिक्रिया स्टार्ट कर देता हूँ, एंड मुझे बहुत सारा फसल भी उगाना था, आई मीन फार्मिंग भी करना था, तो मैं जगह को फ्लड करता हूँ, एंड वहाँ पे मैं टॉर्च वगैरह लगा के मैं ऊपर के लिए एक रास्ता बनाता हूँ यहाँ से, ताकि मेरा आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो, एंड फिर मैं डोर बनाने के लिए चल पड़ता हूँ ऊपर के लिए, कुछ यूनिक टाइप मैं सोचा था। ओके मैं यहाँ पे फर्नेस लगाने के लिए सोचा भाई, आई डोंट थिंक सो कोई भी दुनिया पे फर्नेस से घर बनाते हैं, नुबड़े ही करते हैं, बट अपन प्रो है भाई, प्रो भी करने लग गए भाई ऐसा काम। चलो यहाँ से और भी थोड़ा फर्नेस बना भाई, कोबल स्टोन की कमी नहीं है, एंड ऑल राइट ये ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ा सा भाई फर्नेस की कमी, कोई ना इसे कोबल स्टोन लगा देंगे, एंड फाइनली रेडी हो गया हमारा फर्नेस वाला दरवाज़ा। ओके दरवाजा हमने नहीं लगाया, एंड ये यहाँ पे लगाओ, ये यहाँ पे लगाओ, एंड फाइनली हमारा दरवाज़ा हो चुका है बन के रेडी ये। एंड उसके बाद मैं अपने बेस पे फार्मिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देता हूँ, एंड ये तो होना ही था, एंड फिर मैंने सोचता हूँ कि ये फार्म क्यों ना बनाई जाए, अकेले मैं बनाने के सोचता हूँ, एंड फाइनली मैं बना डालता हूँ, बट इट्स नॉट वर्किंग, क्यों भाई ऐसा क्यों मेरे साथ ही होता है, अरे यार अच्छे से तो बना था, तो मैं तो अकेले नहीं कर पा रहा था, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, एंड उसके बाद मैं एलन भाई को भी बुलाता हूँ, तो हम दोनों मिलके यहाँ पे जम के वर्क किया, उसको पूरा तरीके से रीबिल्ड किया, एंड नाउ फाइनल रिजल्ट। भाई आप क्या बता सकते हो ये लोग कब आएंगे, तो हमसे तो ये ना हो पाया मुन्ना, तो हम इस काम को जॉब को ही छोड़ दिया भाई, एंड ऊपर जा पाते हैं फिर से, ये हमारा वेट कर रहा था,
अबे भाई क्या भाई है, दरिंदे लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई, सबको क्या अरुंगलम के पड़ी है। एंड गाइस हम लोग यहाँ पे पोर्टल के लिए ऑब्सिडियन कलेक्ट कर रहे थे एंड डेविलन के साथ। भाई बहुत बुरा हुआ है पे हम बेसिकली भाई जिस ब्लॉक पे खड़ा था उसका नीचे वाला ही ब्लॉक खोद रहा था एंड लावा पे चल के मर गया। एंड फिर मैं भाई को फिर से नया नया माल देता हूँ एंड हम लोग अपने अपने काम करते हैं। बट ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा क्या? एंड फिर से खुशी का मंगल चल रहा था एंड थोड़ी देर बाद It was at this moment that he knew he fucked up. ये लो भाई ये बकेट लेके जाओ। お前はもう死んでいる。何?